ओ जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं जी आप? जी मेरे ख्याल से बढ़िया होंगे। कल हम जो है पहाड़ से सफर करते हुए पंजाब में आए और यहाँ हमारी भाभी जी ने आते ही हमें झाड़ू पकड़ा दिया, कहा कि चलो घर की सफाई करो। अब हम सफाई कर ही रहे थे कि ऐसे ऐसे, तो भाभी ने कहा अरे आप काहे कर रहे हो, आपको नई चीज दिखाते हैं। तो हमने कहा चलिए दिखाइए, तो आइए चलते हैं दिखाते हैं नई चीज, उससे सफाई होगी। ये झाड़ू जो है खाली हमने दिखाने के लिए पकड़ा है, नई मशीन दिखाते हैं। आइए नू यहाँ दीजिए, नू ऐसे देखिए आप जी। देखो दोस्तों यहाँ सफाई चल रही है और एक ये गजब का गैजेट यहाँ पर को चल रहा है जो सफाई करते हुए चल रहा है, देखिए। ये किचन भी जाएगा भाभी? ये एक मशीन है आपको सफाई करने वाली, जो कि जिसमें वैक्यूम और मॉपिन और यहाँ पर झाड़ू तीनों चीज मिक्स है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यूज कैसे करते हैं। एक बार हम रोकें इसको, तो दोस्तों जो है ये रुकेगा अभी जो है फोन से यहाँ पर को, और अभी जो है भाभी जी फोन ला रही हैं और हमें बताएंगी, थोड़ा समझाएंगी कि कैसे चलता है, क्योंकि ये जो इसकी आवश्यकता पड़ी। ये एलेक्स बाबा हैं, ये जो है बहुत ही बाल गिराते हैं, तो इनके बाल साफ करने हेतु ये मशीन की आवश्यकता पड़ी। तो काफ़ी यहाँ पर को देख के हम अचंभित हैं, पहली बार देख रहे हैं अपने जीवन में और पहली बार हुआ है। और ये भाभी जी आई हैं, मशीन दिखा रही हैं एप्लीकेशन। हाय, दिस इज माय रोबो वैक्यूम मॉप पी। ये जो है झाड़ू और पोछा करती है, सही भाषा में कहें तो। ये एक ऐप से चलती है जिसे बोलते हैं एमआई वैक्यूम ऐप। इसके लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है इस गैजेट को चलाने के लिए। और पहले ही तो ये, क्योंकि मेरा मैप ऑलरेडी सेट है, तो इसके अकॉर्डिंग इसने मेरे घर का मैप बनाया है, मास्टर बेडरूम, लिविंग रूम, किड्स, गेस्ट, किचन। तो अभी मेरा जो है लिविंग रूम में सफाई कर रहा है। और अगर चाहो इसका एक चार्जिंग स्टेशन होता है वहाँ, जो इन्होंने यहाँ पर कोई चार्जिंग स्टेशन बना के रखा है, इसका चार्जिंग स्टेशन है। अगर आप इसको इंस्ट्रक्शन दो तो ये अपने आप चले जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो ये है, ये मशीन है जो खुद ही अभी सफाई कर रही है। हाँ, जो ये मैप के अकॉर्डिंग काम कर रही है। देखो मशीन चल रही है और सबसे पहले ये आपके एजेस के थ्रू, घर का जो पूरा एजेस है उसके थ्रू ये क्लीनिंग करती है। उसके बाद ये एस शेप में घूमती है जी। तो ये आपने जो है पहले से इसमें ब्लूप्रिंट डाला है या आपने फोन से ही इसको ऐप के थ्रू ही बनाया है? ऐप के थ्रू इसको चलाया गया है, क्योंकि जब ये लिया जाता है तो ऐप के थ्रू ये पूरे घर की मैपिंग करता है जी। फिर उसके बाद घर की सफाई करनी बहुत आसान हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो है एक एलेक्स नाम का प्राणी है जिसके कारण इस मशीन की खास आवश्यकता पड़ी है। अभी ये राहुल भाई के साथ यहाँ पर खेल रहा है और इसके बहुत सारे बाल गिरते हैं, अभी भी इसके कपड़ों में जो है काफ़ी सारे बाल यहाँ पर चिपके हैं। तो भाभी जी जो ये ऐप है और ये जो मशीन है, ये बारीक से बारीक बाल भी हटा देती है? हाँ जी, बारीक से बारीक बाल, और जैसे आपके प्याज के छिक्कल हैं, आपके जो औरतों के बालों का कोई गुच्छा है वो सब ये, क्योंकि मेरा घर ऑलरेडी साफ है तो आपको गंदगी नहीं दिखाई देगी। अच्छा, जैसे सामने में ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो ये उनको साइड करके चले जाएगा, सेंस करेगा। अगर इससे हल्के है तो इनको घूमने के बाद खुद ही स्टार्टिंग पॉइंट में चला जाएगा। और कारपेट, स्पेशली कारपेट बहुत अच्छे साफ करता है, क्योंकि कालीन दोस्तों हर किसी के घर में होते हैं। कभी भी कोई गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले कारपेट के ऊपर बैठाया जाता है। कल हम भी कारपेट के ऊपर बैठे थे सबसे पहले यहाँ पर को, तो हमारे जूतों में बहुत सारी धूल धक्कड़ थी, वो सब यहाँ पर को जो है ये मशीन साफ कर देती है, सब साफ कर देती है यहाँ पर मशीन। और दोस्तों ये जो एलेक्स है, एलेक्स नाम के प्राणी ने मेरे को भी काफ़ी सुबह सुबह घाव पहुँचाया है और अभी ये सॉरी कहने के लिए आ गया है यहाँ पर को, काफ़ी नर्वस है। एलेक्स यहाँ देखो, रो क्यों रहे हो? तुमने जो करना था वो तो कर दिया, कांड तो कर दिया आपने। Alexa, जाओ। कहना नहीं मानना भाई, आजकल मेहमान आए हैं तो बिगड़ गया है, मुंह लग रहा है।
sit. Yes, good boy. Right, left, sleep. Namaste. Very good. काफी यहाँ पर को ये सिखाया गया डॉग है और पॉज देखिए फोन से पॉज कर दिया है तो अब ये रुक गया है अब इसको हम जहाँ उठा के रखे वापस यहीं आ जाएगा नहीं यहीं पर से कंटिन्यू फोन से कंटिन्यू हो जाएगा अच्छा फोन से हो जाएगा फोन पे ऑप्शन है फोन में कंटिन्यू रोबोट है ना ये रोबोट है हाँ ये तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है ये मैंने ऑनलाइन अमेज़न से मंगाया था और ये तकरीबन 24,999 यानी कि 25,000 का है क्या बोल रहे हो 25,000 का देखो क्या होता है अगर आप एक मेड रखो काम वाली बाई रखो तो उसको एक काम का आपको 1400 रुपए देना पड़ता है एक ही काम का हाँ सिर्फ झाड़ू पोछे का जी और ना वो बेड के नीचे घुसती है जी हाँ ना वो ढंग से सफाई करती है जी, जी। और ये एक साल से मैं चला रही हूँ मेरा पूरा पैसा वसूल हो गया है और इसकी कोई मेंटेनेंस कुछ भी नहीं बस इसको साफ सफाई करो कॉलिन मारते रहो साफ करते रहो तो अभी जो है भाभी जी ने ये 24,999 में से 16,800 रुपए वसूल कर लिए हैं पूरे और भाई साहब बहुत शॉकिंग सा यहाँ पर को मेरे को रिजल्ट लगा इसका क्या ही आ गया क्या क्या मशीनें आ गई हैं यहाँ पर को मैं एक बार अपनी बुआ से रिएक्शन लेता हूँ बुआ जब मशीन का क्या कहना है आपको कैसी लगी मैंने देखी नहीं अभी अरे मैं कह रहा हूँ ना वहाँ आप पहाड़ में भी बहुत ठंड में काम करते हो ना टाइल में अच्छा। आपके पैरों में ठंड लगता होगा इतने कोमल से पैर हैं आपके हैं इतने कोमल से हाथ देखो कितने प्यार से लेसन छिल लिए हैं यहाँ पर को एक भी छिक्कल लेसन में छिक्कल का दिखा दो तो यहाँ पर को इनके लिए भी मैं सजेस्ट करूँगा आपने अपने लिए तो इतनी सुविधा कर रखी है इस बूढ़ी सासू माँ के लिए क्यों नहीं कर रहे हो आप उन पर रहम क्यों नहीं खा रहे हो आप जल्दी ऑर्डर करेंगे लेकिन मेरे को लगता है ये प्राइस सुन के थोड़ा शौक हो जाएंगी बहुत पता है आपको कितने की है कितने की है मेरे 49 के 49,000 काफी अच्छे ब्रांड की लेकिन एक चीज है ना तो चप्पल के नीचे जो छोटे छोटे बाल नहीं दिख रहे हैं हम झाड़ू में भूल जाते हैं ना ये भी साफ कर देगी तो आपके लिए भी ऑर्डर करा देंगे है नहीं देखिए ये नहीं है भाई ये देखिए ये है पहाड़ की नारी देखो अपने हाथ पे भरोसा है मशीनों पे भरोसा नहीं करती है कुछ हो जाए क्यों अपने हाथों पे भरोसा है अपने कंधों पे भरोसा है अपने पैरों पे भरोसा है लेकिन आजकल की बुआरियां देखो मशीनों से काम कर रही है अपना ठाट से बैठे रहती है ऐसे हाथ डाल के कमर पे है जेब में डाल के तो दोस्तों अभी हम जो है वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं भाभी कह रही है सारी चीज पूछने के बाद बेइज्जती करी है तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।